या कनस्ताइन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज अपनी सारी कौम को समझाना चाहता हूँ कि क्यों हम इस जगह पे पहुँच गए कि हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना चाहते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, सारी दुनिया में कौमें किसी कानून के तहत चलती हैं। कानून क्या होता है? वो आइन फैसला करता है कि क्या कानून में जायज़ है और कौन सी चीज़ नाजायज़ है। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इस मुल्क के आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। हालात ये हैं कि अदालतों की भी बातें, उनके अहकामात ना पुलिस सुनती है ना ये रियासत सुनती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अभी हाल ही में जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत भाग रही थी इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से, तो अदालत ने कहा कि फौरी तौर पे डेट दो, बल्कि उन्होंने तो कहा कि 48 घंटे में करवाओ। अभी तक कोई महीना होने लगा है तकरीबन, अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए। उसके अलावा जिस तरह फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी हकूक़, जो हमारा आइन हमें हमारे बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करता है, हालात ये हैं कि लोगों को उठाया जाता है। कितने लोगों को, सोशल मीडिया के लोगों को उठाया गया, उनको तशद्दुद किया गया उनके ऊपर, सिर्फ इसलिए कि उनकी कोई ट्वीट थी, उसके ऊपर उठाया गया, तशद्दुद किया गया। अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिस तरह का तशद्दुद किया गया, अभी तक उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं हुआ। आज़म स्वाती, कौन सा आइन, कौन सा कानून इजाज़त देता है कि एक ट्वीट के ऊपर नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए? और फिर जब वो फिर से उसको जेल में डाला जाता है और फिर उसको कोई 30 उसके ऊपर FIR कोई बलूचिस्तान सिंध में की जाती है। शेख रशीद, आइन उसको अदालत उसको जमानत देती है, उसके बावजूद उसको उठा के ले जाते हैं और उसके ऊपर केसेस सिंध और बलूचिस्तान में कर देते हैं। फवाद चौधरी, अदालत 4 दफ़ा कहती है IG को कि पेश करो फवाद चौधरी को अदालत में, और वो उसको इस्लामाबाद ले जाते हैं। तो ये तो मैं थोड़ी मिसालें दे रहा हूँ जो शहबाज गिल से हुआ। कस्टोडियल टॉर्चर, तशद्दुद, ये पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है। तशद्दुद भी हुआ और उसको कोई रिलीफ नहीं मिली, और फिर डराया धमकाया गया और केसेस किए गए। पुरअमन एहतजाज हमारा था 25 मई को, उसके ऊपर जो जुल्म किया गया, कौन सा कानून और आइन एक जमहूरियत में इजाज़त देता है कि पुरअमन एहतजाज के ऊपर तशद्दुद करो? इन्होंने 3-3 धरने हमारे अगेंस्ट दिए और लॉन्ग मार्चेस की, किसके ऊपर हमने कोई सख्ती की? तो मैं तो ये थोड़ी सी मिसालें दे रहा हूँ आपको कि हमारा सारा जो हमारे आइन और कानून के ऊपर जो एतमाद है हम इस कौम का, वो उठता जा रहा है। और बल्कि हमें ये खौफ है कि जो अब आइन जो जमहूरियत बेस होती है जिस आइन के ऊपर, और जमहूरियत के अंदर वाज़े तौर पे है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। हमने अपनी 2 हुकूमतें पंजाब और सिंध में क्यों डिज़ोल्व की? खुद कोई ऐसे नहीं करता। हमने सिर्फ आइन को सामने रख के की कि हमें जब पता था कि 90 दिन के अलावा आप आगे नहीं जा सकते, तो हमने उसको सामने रख के इलेक्शंस की तरफ गए, इसलिए कि मुल्क एक बहुत बड़े बुरहान का शिकार है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है। और जब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आता, हमारी माशत नहीं ठीक होने लगी। तो हमने कुर्बानियाँ दी 2 गवर्नमेंट्स की, जो तकरीबन 66% पाकिस्तान है, सिर्फ इसलिए कि आइन 90 दिन में इलेक्शन करवाता है। अभी तक कितने दिन हो गए हैं? 20-25 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई डेट नहीं मिली। दोनों इलेक्शन कमीशन और ये जो 2 हुकूमतें, जो 2 गवर्नर्स हैं, उन्होंने डेट्स नहीं अभी तक दी, और ये सीधी पाकिस्तान के आइन की वायलेशन है। और अगर ये 90 दिन से आगे जाते हैं तो आइन बड़ा साफ है इसमें कि आर्टिकल 6 लगेगा। ये सारी कौम अब देख रही है पाकिस्तान की अदालतों की तरफ, और मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ, ये वो पाकिस्तान में वक्त आ गया जो जस्टिस मुनीर मोमेंट हम कहते हैं, कि एक दफ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत हमारी जो इस कौम का डाउनस्लाइड शुरू हुआ है, जो निचला सफ़र शुरू हुआ है, वो जो फैसला था कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत आइन को पीछे हटा के हमने ताकत के साथ हमारी अदालतें गई। तो आज भी वही वक्त है, सारा पाकिस्तान देख रहा है, टाइम बदल चुका है। अगर ये हमने देखा कि इससे आगे जाते हैं तो हमने ये प्लान किया हुआ है कि हमने अपने आइन, अपने मुल्क के कानून के रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसाफ के लिए हमने ये जेल भरो तहरीक का फ़ैसला किया, क्योंकि हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि ये जो वो लोग जिनकी ऊपर करप्शन के केसेस, इंटरनेशनल इंकशाफ होता है पनामा का, जिसमें पता चलता है कि मरियम नवाज़ 4 महंगे तरीन लंदन की अपार्टमेंट्स, जो कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में, उस पनामा के इंकशाफ में पता चलता है कि असल मालिका उनकी मरियम नवाज़ थी। उसके बाद सारा ट्रायल होता है, सज़ा होती है। तो उनके ऊपर तो कोई ऐसा तशद्दुद नहीं हुआ, उनको तो जेल में रॉयल्टीज़ की तरह रखा गया। उनके ज़रा देखें जेल में कैसे जा रहे थे, तो यहाँ ट्वीट्स के ऊपर तशद्दुद किया गया। तो इसलिए दो रास्ते हमारे सामने, एक रास्ता ये है कि हम तोड़ फोड़ करें, इंतशार फैलेगा मुल्क में, सड़कें बंद करें, पथराव करें, पहिया जाम स्ट्राइक करें, तो मुल्क के तो आगे हालात वो हैं, पाकिस्तान की तारीख में मायशत इधर तक नीचे नहीं पहुंची जो इन्होंने पहुंचाई है, और ये हम सबको पता था होना ही है। और हमने जो उस वक़्त इनके हैंडलर्स थे उनको वाजे करके बताया कि अगर आपने साजिश करके हुकूमत गिराई गई, इनसे नहीं संभाली जाएगी, और नहीं संभाली गई। तो आज कभी भी इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आया जो आज पाकिस्तान में है, कभी आम लोगों की ज़िंदगी में इस तरह की महंगाई नहीं आई जो आज आई है। जो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी, तो मुल्क के माशी हालात तो बहुत बुरे हैं। तो हम इसलिए उसको सामने रख के, और 26 साल की स्ट्रगल में कभी भी हमने इंतशार की पॉलिटिक्स नहीं की। लिहाजा ये पुरअमन तरीके का एहतजाज है, जेल भरो तहरीक। मैं आज अपने सारे कारकुनों को, बल्कि मैं तो पाकिस्तानी अवाम को भी ये कहता हूँ कि ये इस वक्त आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आप अपने मुल्क के लिए जहाद लड़ रहे हैं, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मैं आज आप सबको कहूँगा कि मेरे अपने कारकुनों को कि जो हमारे ज़िले सदर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो हैं, उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन शुरू करें कि जिन्होंने हम पहले हर पाकिस्तान के शहर में हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, तो पहले मैं चाहता हूँ कि वॉलंटियर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करें, और उसके बाद मैं फिर आपको डेट दूँगा किस दिन हमने जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना है, और इसकी चंद दिनों के अंदर होगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आप अपनी जो रज़ाकार हैं वो सामने आएँ, और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूं कि ये जो हमारी तहरीक है, इससे हम वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं जो पाकिस्तान को एक हकीकी आज़ादी भी देगा, और हकीकी आज़ादी का मतलब हकीकी जमहूरियत वो भी देगा, और वो इंशाअल्लाह वही एक पाकिस्तान को एक वो जमहूरियत जिधर रूल ऑफ लॉ है, जिधर कानून की हुक्मरानी